वो धारा 144 असल में अपने आप में एक अपराध है। जहां जहां पुलिस इसलिए लगाती है धारा 144 के आंदोलन रोकने, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देश के सभी अफसर सुन ले, ये 2 महीने का लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, ये गैर कानूनी है। जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम आपको बता रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर है, विड्रॉ कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से आपको। जितनी बार आप हमें ये दोगे उतनी बार रिपीट अपराध होगा, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ये गैर कानूनी ऑर्डर है। और मोदी जी ने कहा है कि पकौड़े तलने हैं ना, अब पकौड़े भी कल से यही तलेंगे और इनको भी खिलाए जाएंगे। अगर दलित आदिवासियों के लिए और हर बेरोजगार के लिए यही एकमात्र विकल्प बचा है पकौड़े खिलाना, अभी कल से पकोड़े भी यहाँ तलेंगे और इनको खिलाए जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं पुलिस ने कहा है और मोदी जी ने कहा है कि पकोड़े तलने हैं ना, अब पकोड़े भी कल से यहीं तलेंगे और इनको भी खिलाए जाएंगे। अगर दलित आदिवासियों के लिए और हर बेरोजगार के लिए यही एकमात्र विकल्प बचा है पकोड़े खिलाना, तो आज मैं मीडिया वालों की ये बात मानती हूँ कि सर पुलिस ने कहा है पकोड़े तल के खाओ, घर जाओ पकोड़े तल के। सर यही ये SHO साहब कह सर पुलिस ने कहा, ये तो आपने परसों दिया था, अब तक तो रिवोक हो जाना चाहिए था, ये गैर कानूनी ऑर्डर है। नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको बता रहे हैं ना गैर कानूनी, एक बार फिर जैसे आप हमें बता रहे हो वैसे हम आपको बता रहे हैं गैर कानूनी ऑर्डर है, विड्रॉ कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से आपको लीगल ओपिनियन लेके। लेकिन अगर आपने आज तक भी नहीं किया, मतलब ACP साहब ने, तो ये एक और अपराध हो जाएगा। मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, ये नोट कर लो, एक और ऑर्डर है, एक और अपराध। जितनी बार आप हमें ये दोगे उतनी बार रिपीट अपराध होगा, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ये गैर कानूनी ऑर्डर है। आपने साइन किया है, वैसे तो ये तो फोटोकॉपी है, वैसे इसका ये भी सबूत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है, इसका ये भी सबूत नहीं है कि असली ऑर्डर भी है या नहीं है। आज तक ना इसका 65B सर्टिफिकेट दिया है हमें कोई, हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी, लेकिन क्योंकि हम पुलिस को ये समझते हैं कि हमारे देश की जनता यानी कि हमारे नौकर हैं, तो हम उन्हें कानून बताते हैं हर बार। एक तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, ये फोटोकॉपी है, ये नकली भी हो सकता है कोई, आप भी अपने घर में छाप कैसे ला सकते हो, तो एक तरीका होता है उसको सर्टिफाई करके इन्हें मोहर लगा के, अपनी ACP साहब को अपनी असली मोहर लगा के इसको कॉपी बना के भेजना चाहिए था। और दूसरा, अगर ये ऐसा है तो इसके साथ एक 65B सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए था, अगर ये फोटोकॉपी दे रहे हैं तो। ये कानून के प्रावधान है, हम चाहते हैं कि हमारी देश के जो पुलिस है, जो हमारी नौकर है जनता की, वो ये सब कानून सीखे और इस तरीके से कानूनों का उल्लंघन ना करे। अब मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये असली ऑर्डर है, पहले यही बता दीजिए मुझे। 2 मिनट का टाइम दिया है पुलिस ने आपको। नहीं, अब देखो गुंडों की तरह बिहेव करना है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें गोली भी मार सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं, आप जाइए चैलेंज कीजिए। नहीं, क्या करूं, ये तो अभी इन्होंने जो कॉपी दी है ना, मैं वही आपको कानून बता रहा हूं, ये फोटोकॉपी है, या तो इसके साथ 65B सर्टिफिकेट दें। फोटोकॉपी में तो कोई भी हो सकता है ना, असली है नकली है मुझे नहीं पता, या इसको इसके ऊपर मोहर लगाते वो अपनी और उस पर अपने पेन से साइन करते ACP साहब के, ये ऑर्डर की कॉपी है, तब ये असली ऑर्डर होता, अभी ये वैसे भी ऑर्डर नहीं है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को, ये जो आंदोलन करते हैं लोग, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान से समझनी चाहिए। मैं इसीलिए ये सब बातें बता रहा हूँ, आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं इस वक्त, पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश की जनता जो धारा 144 का शिकार है, वो धारा 144 असल में अपने आप में एक अपराध है। जहाँ जहाँ पुलिस इसलिए लगाती है धारा 144 के आंदोलन रोकने, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है। ये देश के सभी अफसर सुन ले, देश के सारे ऑफिसर सुन लें, धारा 144 लगाना उस समय जायज है सिर्फ जब कोई अपराध होने की आशंका हो, जब कोई अमन में खलल होने की आशंका हो, शांति भंग होने की आशंका हो, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि आप महीनों तक के लिए लगा देंगे, जैसे इसमें पता नहीं असली है नकली है मुझे पता नहीं, 23/12 का ऑर्डर है और ये कब तक का लिखा हुआ इन्होंने, 23/2 फरवरी, ये 2 महीने का लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, ये गैर कानूनी है, गलत है ये। मतलब यूनिवर्सिटी में आप सोचते हो 4 बच्चे एक साथ बातें करते हुए अपने क्लासरूम में नहीं जा सकते, ये ऑर्डर असली है नकली है, आप इसलिए मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर। यूनिवर्सिटी में 8-10 लड़के जब हम भी थे, हमारी पूरी बास्केटबॉल की टीम थी, हम 12-15-20 बच्चे होते थे, वो एक साथ क्लास में अपने स्पोर्ट्स के मतलब प्रैक्टिस करके एक साथ चल के जाते थे। यहां से अभी यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्समैन टीम की टीम जाएगी अपनी क्लास अटेंड करने, तो धारा 144 में अरेस्ट कर लिए जाएंगे। 10 बच्चे वहाँ पे अपना खाना खाएंगे एक साथ बैठ के किसी ढाबे पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमारी देश की सरकार अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करती उन्हें, 10 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे और चल के क्लास में जाने लगेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लेगी पुलिस। ये क्या कर रहे हैं देश में, ये है, ये कानून है, ये कानून है,
ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नकली ऑर्डर है और ये इसकी कोई संवैधानिक कानूनी ताकत नहीं है और ये वैसे भी मुझे असली भी नहीं लग रहा है। इसका भी कोई सही हम आपको डिटेन करने जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको फिर बताया अपराध तो आप मुझे पकड़ लो, अभी आपके साथ चार लोग लाओ जबरदस्ती मुझे उठा के बस में बिठाओ ले जाओ कहीं भी, उससे तो कानूनी नहीं हुआ ना वो काम, वैसा ही काम पुलिस क्लेम करती है कि प्रोफेशनल पुलिस है। अब प्रोफेशनल तो क्रिमिनल्स भी होते हैं, प्रोफेशनल अभी एक वो कार चोर था एक जिस वो अपने आप को प्रोफेशनल कार चोर कहता था, अभी एक ज्वेल थी पकड़ा गया है वो भी अपने आप को प्रोफेशनल कहता है। प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है, प्रोफेशनल पुलिस होने का मतलब है जो मैं आपको दो कानूनी कमियां तो ये शक्ल पे नजर आ रही है वो पूरी करके लाते, वो होती है प्रोफेशनल पुलिस। ये तो कानूनी कमी, अब ये मुझे ऑर्डर भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऑर्डर असली है। असली लड़ाई दूसरे रास्ते पर जा रही है, अब आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको आप तय करिए दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, ये तो कितना जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे, ऐ सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अभी इसका कोई मतलब नहीं सर, इस नोटिस का कोई, मुझे ये असली है आपको मैंने अभी अभी कानूनी प्रावधान बताए सारे, ये असली लग रहा है आपको ये बता दो, ये तो फोटोकॉपी है, आप उठने वाले नहीं है बिल्कुल भी नहीं, अपनी तरफ से हम तो डिटेन ही करेंगे ना, वो अपराध एक कर चुके हैं अभी दूसरा अपराध करने जा रहे हैं अगर वो हमें जबरदस्ती ले जाते हैं। ये अपराध नंबर दो होगा अगर ये विदुषी कौशिक, वो अभी नजर आएगा, हम कानून से इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम बार बार ये कह रहे हैं और अब आज का जो एफआईआर है वो अलग से दर्ज होगी।